रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। शुक्रवार दोपहर को आप विधायक सोमनाथ भारती को विशेष जज विनोद कुमार बरनवाल के सामने पेश किया गया, जहां शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह और विधायक के पक्ष से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने बहस की। जज ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश सुनाया है। उन्हें वापस सुल्तानपुर जेल ले जाया गया है। शनिवार को इसकी सुनवाई होगी। विधायक को कोर्ट नहीं लाया जाएगा। बता दें कि शहर कोतवाली में उनके खिलाफ 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में वो शहर कोतवाल अतुल कुमार सिंह से उलझ गए थे। वहीं अमेठी में आप विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम यहाँ के स्कूलों को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इससे पहले जब विधायक सोमनाथ भारती गेस्ट हाउस से निकल रहे थे, तभी एक युवक ने उन पर काली स्याही फेंक दी थी। उसी के बाद माहौल खासा गर्मा गया था और विधायक ने सीएम योगी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। अमेठी के जगदीशपुर में दर्ज एक मामले में वहां की पुलिस ने 11 जनवरी को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह सुल्तानपुर जेल में बंद है।